Hi everyone, how are you all? You are watching Leadsum Accountancy. Myself, Aminit Jaman. आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में रिगार्डिंग द NEP न्यू एडुकेशन पॉलिसी 2020. इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने डिस्कस किया था 5+3+3+4 फॉर्मूला. अब यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कि हमारा जो NEP है, न्यू एडुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें सबसे बड़ा फाइव चेंजेस आया है या आएगा इन स्कूल एंड हायर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर इन हायर एडुकेशन. स्कूल के एडुकेशन और हायर एडुकेशन में बिग फाइव चेंजेस आएगा और आ रहा है. वही पांच चेंजेस क्या क्या है मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा. अब इस चेंजेस को जानने के लिए प्लीज मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए. वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. तो सबसे पहला जो चेंजेस है यहाँ पे देखो, स्कूलिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 3 इयर्स नाउ. पहले हमें पता था जो स्कूल में है उसमें स्टार्ट होता था 5 साल, बच्चे के जो 5 साल का एज होता था उसी के बाद गवर्नमेंट स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिया जाता था. लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट है कि 5 साल नहीं, जब बच्चे का एज 3 साल हो जाएगा उसके बाद से उसको स्कूल भेज सकते हो और उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा. जिसमें 3 साल जो 5 साल का है उसको हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है, 5+3+3+4 फाउंडेशनल स्टेज. और उसमें से 3 साल हमारा पहला 3 साल जाएगा नर्सरी में, जो आंगनबाड़ी जो स्कूल है उसमें जाना पड़ेगा बच्चे को. फिर नेक्स्ट 2 साल क्लास 1 एंड 2 स्टेज में या ग्रेड में पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स हमारा क्लास 3, 4, 5 से होगा. नेक्स्ट 3 इयर्स 6, 7, 8 और नेक्स्ट 4 इयर्स होगा क्लास 9, 10, 11, 12. और हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो पहले अप टू द एज ऑफ 14 था, अभी वो एक्सटेंड करके अप टू द एज 18 तक लाया गया है. तो ये पहला हमारा जो चेंजेस है. दूसरा चेंजेस देखो, बिग चैलेंजेस इन NEP, मदर टंग. जितना भी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल हो या पब्लिक स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें क्या बोला है कि एटलीस्ट वहां पे क्या होने से जो इंस्ट्रक्शन देगा टीचर्स स्टूडेंट को या बच्चे को वो मदर लैंग्वेज होना चाहिए. क्योंकि मदर लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर बच्चे को समझ में आता है कि वो क्या समझ रहा है, क्या है, ठीक है. ये कोई कॉम्पल्सरी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जस्ट यहाँ पे बोला है कि आप अगर मदर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे तो बच्चे के सभी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये हमारा सबसे बड़ा सेकंड चेंजेस इन न्यू NEP 2020. देखो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर लैंग्वेज फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स, नॉट कॉम्पल्सरी बट इट इज सजेस्टेड, ओके, टू यूज द मदर्स टंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रेन और एटलीस्ट अप टू ग्रेड 5. ये जो मदर टंग जो इंस्ट्रक्शन है यूज करेगा, मदर टंग या फिर मदर लैंग्वेज, वो अप टू द ग्रेड 5 तक यूज करने के लिए बोला है, सजेशन किया है. बट मे बी प्रीफर्ड अप टू द ग्रेड 8, क्लास 8 तक भी यूज कर सकता है बच्चे के लिए, ठीक है, कॉम्पल्सरी नहीं है, ये सजेस्ट किया है. तीसरा हमारा जो बिग चैलेंज है, चेंजेस है इन न्यू NEP, ओके, नेशनल एडुकेशन पॉलिसी 2020, वो है नो UGC, नो AICTE, नो NCTE. हमें पता है हमारा जितना भी हायर एडुकेशन है डिफरेंट अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है. जैसे UGC एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो एक एजुकेशन पार्ट को रेगुलेट करता है. फिर AICTE एक है इंजीनियरिंग के लिए, फिर NCTE. सो यहाँ पे क्या बोला है, जो NEP है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वहां पे बोला गया है कोई सेपरेट एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी रहेगा और वो होगा हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो जितना भी टाइप का एजुकेशन है सबको रेगुलेट करेगा एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल कोर्सेस. जो मेडिकल और लीगल कोर्सेस है
उसको छोड़ कर उसके अलावा जितना भी कोर्सेस है एक ही रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करेगा और वो होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए ये आपके जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तीसरा देखो यहाँ पे हमारा जो चौथा फोर्थ चेंजेस आया है एनई पे, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स गेट्स ब्लड। यहाँ पे देखो ब्लड मतलब क्या होगा, यहाँ पे साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स इस स्ट्रीम में, साइंस में या आर्ट्स में या कॉमर्स में, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। अभी हम क्लास टू में देख सकते हैं कि हमें कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है, सेवा का कोर्स सेपरेट हो जाता है, साइंस का कोर्स सेपरेट हो जाता है, फिर हमारा आर्ट्स का कोर्स सेपरेट हो जाता है, कंप्लीटली सेपरेट रिजिड। लेकिन अभी इतना रिजिड नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन ऑफ बिटवीन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, देयर इज नो रिजिड सेपरेशन ऑफ वोकेशनल कोर्सेस एंड रेगुलर एकेडमिक कोर्सेस, देयर इज नो रिजिड सेपरेशन ऑफ करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद देखो जो वोकेशनल एजुकेशन है, हमें वोकेशनल कोर्स पता है जो बाद में दिया जाता है, जो स्टूडेंट्स मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं बाद में उसको दिया जाता है। ठीक है, तो वही वोकेशनल जो एजुकेशन है वो बच्चे को क्लास फोर से दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइप का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल कुछ काम सिखाने के लिए क्लास सिक्स से स्कूल एज से ही उनको वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड दैट इज इन स्कूल, इंक्लूड्स इंटर्नशिप। ठीक है, यहाँ पे इंटर्नशिप में भी बच्चे को शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट पांचवा फिफ्थ नंबर हमारा जो चेंजेस आया, सबसे बड़ा चेंजेस इन एनईपी 2020 वो है एफ वाई यू पी प्रोग्राम्स रिटर्न्स एंड नो मोर ड्रॉपआउट्स। यहाँ पे एफ वाई यू पी फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्सेस, तो यहाँ पे बोला गया है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, बीए या फिर बीएचसी या फिर बीकॉम जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है वो थ्री या फोर ईयर्स का होगा। अभी तो नहीं बोला है कि कितना होगा, थ्री ईयर्स का भी हो सकता है, फोर ईयर्स का भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बोला है देयर इज मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, देयर इज मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। अब देखो ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स मान लो कि अंडर ग्रेजुएट में वन ईयर अगर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर वो पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो उसको वन ईयर कोर्स जो किया है उसके ऊपर उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई अगर टू ईयर्स कोर्स करके पढ़ाई छोड़ दिया है अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है, इस तारीख कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो उसको टू ईयर्स कोर्स जो जो सीखा है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड इट इज मैंडेटरी बाउंड बाय द इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट, लेकिन एटलीस्ट वन ईयर्स स्टडी करना पड़ेगा, जितना टाइम तक स्टडी करेगा उतना टाइम तक उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वही बोला है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉलेज विल बी मैंडेट टू गिव सर्टिफिकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन ईयर इन एनी डिसिप्लिन, एटलीस्ट वन ईयर स्टडी करना पड़ेगा। तो वन ईयर स्टडी करेंगे तो वन ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, टू ईयर्स स्टडी करेंगे तो टू ईयर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, थ्री ईयर्स का स्टडी करेंगे तो थ्री ईयर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वन ईयर स्टडी करना ही पड़ेगा टू गेट द सर्टिफिकेट एंड कॉलेजेस आर बाउंड टू प्रोवाइड दैट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंडर एक चीज बताया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, दैट इज डिजिटल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। कौन सा स्टूडेंट्स कौन सा ईयर या सेमिस्टर में कौन सा एग्जाम में कितना क्रेडिट पाया है, ठीक है, उस क्रेडिट को एक डिजिटल फॉर्म्स में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और हर साल का क्रेडिट पॉइंट्स उसको एड अप किया जाएगा फाइनल रिजल्ट्स के लिए। और यही हमारा सबसे बड़ा फाइव चेंजेस आया है इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।